नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आज आपको रेड ग्रेवी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोगों को फास्ट रहता है, व्रत में लहसुन प्याज नहीं लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि ये मैंने गैस ऑन कर दिया है और ये एक कड़छी सरसों का तेल, ये सरसों का तेल रखा एक कड़छी। उसके बाद मैंने ये टमाटर काटे। टमाटर काटने का आपको मैंने तरीका बताया हुआ है पहले, कि इसको इस तरह से काटे कि ये जो इसका ये हिस्सा है ये मुँह में लगता है, इसको इस तरह से काट दीजिए, ठीक है ना। ये काट दिया टमाटर, तब तक तेल गरम हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैं आज आपको रेड ग्रेवी के बारे में बता रहा हूँ, जो लहसुन और प्याज व्रत में नहीं लेते हैं, लगते हैं लोग बाग, तो उसको आप इस प्रकार से बनाइए रेड ग्रेवी को। हाँ, तो दोस्तों ये टमाटर कट चुके हैं और तेल गरम हो गया है, इसमें महक आ चुकी है तेल में सरसों की। अब ये डालिए टमाटर, और ये टमाटर मैंने मिक्सी का यूज़ नहीं किया है, हो सके तो आप भी मिक्सी का यूज़ कम से कम करें। और ये गरम मसाला है, ये देखिए इसमें धनिया है, काली मिर्च है, ये दालचीनी है, ये साबुत दालचीनी, ये काली मिर्च, लौंग सब डाला हुआ है इसमें, देखो जीरा वीरा। अब इसको हमने क्या दरदरा कूटना है, ये देखिए दरदरा कूटना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ये अदरक भी डाल दिया है, ये देखिए ये अदरक भी डाल दिया है। अब हम इसे दरदरा कूटेंगे।